अब सुख पाएंगे नैन का। चलना नहीं चलते हैं, किसी के मुंह नहीं लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी। अगर आप मदद ना करते तो केस में बरी होना तो क्या जमानत लेना भी मुश्किल हो जाता। मैं तो एक घंटे में छूट जाता जी, लेकिन ये लोग तो मेरा परिवार है, अगर मैं इनकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा अब। उठ, ड्रामा ना कर, उठ, केले पकड़ कागज और जाके अपना मुंह काला करती। फिर मैं तुझे घर और अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल रहा हूं। मुझसे शादी करो। क्या? हाँ सीता, मैं पागल नहीं हूं। लगता है नंदिनी के जाने के बाद तुमने सोचना और समझना छोड़ दिया। तुम्हारा हाथ थाम लूं तो ये बात सच हो जाएगी कि मैंने तुम्हारा घर उजाड़ा। अजब, नंदिनी को ढूंढ कर ला, मुझे उसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अभी तो मेरे मोहरे सेट हुए हैं। नंदिनी अब एक आजाद औरत है, रतन लाल का बिल्ला उतर गया। कुछ दिन तो रोमांस चल सकता है। क्या मतलब? वो तलाक लेकर यहाँ नहीं आ गई थी? हाँ, लेकिन कल रात किसी वक्त चली गई यहाँ से। पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा है बद्रीनाथ उसको, उसके घर भी नहीं है वो। जल्दी से ढूंढ कर ला। चोपड़ा जी बुरा ना मानो, लेकिन वो आपके टेस्ट की नहीं है। जो कहा है ना वो ही कर बस। तुझे मेरे जायके का ज्यादा पता है? हाँ, सोहन हलवा खाते हुए कभी तूने चबाया हरी मिर्च को? लीमू छिड़काए कभी तूने खीर पे? ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं करता। मैं करता। तुझे कोई एतराज? नहीं नहीं, मैं कौन होता हूँ एतराज करने। आप बादशाह लोग, आपकी मर्जी। मेरी मर्जी यह है कि आज की तारीख में नंदिनी को ढूंढ और चिटिया से पकड़ के घसीटता हुआ मेरे सामने लेकर आ, और अगर ना मिले ना वो तो मेरे सामने मत आइयो। कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं, ढूंढता हूँ। अच्छा बॉस, वो भीमचंद के चिकरे को तो वापस भेज दे। कल से वो बाजू सर पर रख के रो रहा है बॉस। बीवी याद आ रही है या माँ? बीवी और माँ को तो वो पूछता नहीं है। कह रहा था छमिया याद आ रही है। उसे कह दो हफ्ते रुक जाए, अपुन के साथ मस्ती करने की आदत डाले। खाली जेब जाएगा तो छमिया छुमकों से मारेगी और बीवी मुंह नहीं लगाएगी। काम करके जेबें भर के जाएगा तो मजा आएगा उसे भी। राइट बॉस। राम, बीकी मेंटल के बंदे ने जिसने वो ताई को फिक्स किया था उसे 50,000 रुपये भिजवाने याद करवा देना। बिल्कुल करा दूंगा बॉस। वैसे उस लौंडे का नाम क्या है और वो रहता कहाँ है? आप कहें तो। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, वो हैंगओवर है ना, मुंह से निकल गया था। बस मैं जा रहा हूँ नंदिनी को ढूंढ।
हाँ मैं तो ठीक हूँ, बस बापू की तबीयत बहुत खराब रहती है, उसी की चिंता है। खैर तू फीस की फिक्र मत कर, बिटिया को भेज दे, स्कूल की ओपनिंग होने वाली है वैसे भी। हाँ ठीक है, ओके। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते दीदी, मैंने सुना है आपकी शादी सखर में हो रही है, तो फिर स्कूल की तैयारी क्यों कर रही है? मैं सखर में हूँ, मुल्तान में या गुजरांवाला में, इससे क्या फर्क पड़ता है, स्कूल का इससे क्या लेना देना। और फिर वैसे भी हमारे इलाके में एक अच्छी तालीम गाह की जरूरत है, जो फाउंडेशन वाले इस बिल्डिंग में बना रहे हैं, दैट्स इट। और फिर सखर कौन सा दूर है, भाग कर आ जाया करूंगी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, यही तो पूछ रही हूँ, माला आप और नंदिनी नहीं होंगे तो ये स्कूल चलेगा कैसे, और हमारा तो दिल भी नहीं लगेगा, मैं तो स्कूल नहीं आऊंगी। ये देख जरा, चल बैठ, अभी समझाती। भाई देख क्या हो गया है तुझे, दुनिया में जो इतने बड़े बड़े अस्पताल स्कूल यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, तो क्या उनके बनाने वाले सिर्फ वहीं रहेंगे तभी पढ़ाई या इलाज होगा? लोग तो आते जाते रहते हैं, और फिर लोगों के आने जाने से इदारे या उनके फवायद पर कोई असर नहीं होता। लेकिन मैं तो लेकिन कुछ नहीं, अब सुन मेरी बात, नीचे वाला पोर्शन बहुत जल्दी खाली होने वाला है, तुम समेत 5 लड़कियां मेरे साथ 1 हफ्ते यहाँ रहोगे, ताकि तैमूर, जकी और अलीजे के साथ मिलकर हम इस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। ठीक है, कोई शक? नहीं दीदी, ये तो हो गई स्कूल की बात, अब जरा पर्सनल बातें कर लें। नहीं, मेरी माँ मेरे कान पक गए हैं बुरी बुरी खबरें सुन के, कोई अच्छी खबर है तो सुना, नहीं तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने सुना है आकाश और पूजा का चक्कर चल रहा है, और इस बार वो पूजा से शादी भी करने वाले हैं। क्या? खैर मुझे उस शख्स से इसी घटियापन की उम्मीद थी, पर हमारी गुड़िया माला रानी को बर्बाद करके तो उस छोटी बच्ची के पीछे पड़ जाएगा, ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये देखो वो कैसा साफ केस से निकल गया, नुकसान हुआ नंदिनी का और माला जान से गई। शैतान जब इस धरती पे आता होगा ना, तो आकाश का ही बदन लेकर आता होगा। तूने मुझे ये बहुत ही बुरी खबर सुनाई है। उस पूजा के बाप जबरू को तो देखो। उसे क्या देखो, मैंने तो पहले ही कहा था दीदी, वो आकाश का मुंशी नहीं चमचा है। दीदी तुम्हारे ख्याल में आकाश पूजा के साथ सच्ची मोहब्बत करता होगा, हो सकता है इस बार वो सिंसियर हो। आकाश चोपड़ा तो एक ऐसी चंडाल आत्मा है कि अगर उसकी माँ भी जिंदा होती ना, तो वो उसके साथ भी सिंसियर नहीं। पूजा कौन से खेत की मूली है, पर फिर भी मैं पूजा को एक बार बचाने की कोशिश जरूर करूंगी, शायद माला की आत्मा को शांति मिल जाए। अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम क्या कर रहे हो? यार ये हम हिंदू कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं, अगर मुझे पता होता कि हमारी नालायकी की वजह से किसी का घर बार टूट रहा है, तो मैं तुम्हें और उस इदारे को कभी हिंदुओं के मोहल्ले की राह नहीं दिखाता। मुझे बताओगे कि हुआ क्या है? हमने बढ़ चढ़ के बिना तस्दीक के नंदिनी को माला का कातिल समझ लिया, और सीता के साथ मिलकर ना सिर्फ जस्टिस के झंडे उठा लिए, बल्कि उस बेगुनाह औरत पर केस भी कर दिया। नंदिनी रतनलाल के तलाक का जिम्मेदार मैं किसी और को नहीं, खुद को समझता हूँ। ऐसे तो ना कहो, उनका कोई अपना पर्सनल मामला था या कोई गलत फहमी, हमारी वजह से तो उनका घर नहीं टूटा। तुम ठीक कहती हो, इन्वेस्टिगेशन सिर्फ उन इदारों का काम है जिनकी तरबियत हो, मुझ जैसे आताई या मीडिया के चंद कच्चे खिलाड़ियों का नहीं, जो अपनी हीरोगिरी और नाड़ीपन से लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते हो। तुम फिक्र मत करो, हम सीता से इस बारे में बात करेंगे, प्लीज तुम अपना मूड ठीक करो। तुम्हें याद है ना हमने बाहर जाना था, फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। यार मैं कहीं नहीं जा रहा, प्लीज तुम चली जाओ। मेरे अच्छे दोस्त हो ना, प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो जल्दी करो, वी आर ऑलरेडी लेट।
सीता, मैंने कल तुमसे एक विनती की थी, मुझे जवाब दे। बापू सो रहे हैं, अगर उठ के तुम्हें और मुझे बात करते हुए देख लिया तो बहुत बुरा मानेंगे। तुम मेरे जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो? प्लीज कोई अच्छा सा घर ढूंढो और शिफ्ट हो जाओ वहां। चला जाऊं, लेकिन इस बार अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें डोली में साथ बिठा कर ले जाऊंगा। रतन जी, मैं तुमसे सख्त लहजे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम कुछ भी कहो, मेरे साथ जैसा भी सलूक करो, मैं आज भी तुम्हारे दिल में धड़कता हूँ। तुम्हारी बेचैन सांसें मुझे पुकारती। वहम है तुम्हारा, अगर मैं तुमसे मोहब्बत करती तो जब नंदिनी तुम्हारी जिंदगी में आई थी उसी वक्त तुम्हें बता देती। ना जाने लोग थोड़ी सी पसंदीदगी और वाजबी सी शनासाई को मोहब्बत का नाम क्यों दे देते। क्या वो अपना हाथ मेरे हाथों में देना, रात को खिड़की में बैठकर मेरे इंतजार करना, वो वाजबी सी शनासाई थी? हाँ, मैंने सोचा जरूर था, पर तुम्हारा और मेरा ब्याह नहीं हो सकता, हम दो बहुत ही अलग लोग हैं, और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं इनमें तो सोचना भी पाप। हैरत है वैसे तुम्हारी समझ पर, कभी सोचकर भी बोला था? देखो काका, आज भी तुम्हारी शादी को लेकर परेशान, और नंदिनी के जाने के बाद मैं भी अकेला महसूस करता हूँ। सीता, अगर इस बार तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं हमेशा के लिए तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। तो फिर प्लीज चले जाओ, भगवान मेरी बापू की जिंदगी को सलामत रखे, पर मेरे जीवन में अब तालीम और स्कूल के अलावा और कोई मकसद नहीं, शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं है। ऐसे कब तक अकेले रहोगी? तुम इस वक्त जज्बात की रोह में बह कर कह रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकती। रतन जी, कभी हिस्ट्री और हालात हाजरा पे भी नजर डाल लिया करो, पता चल जाएगा दुनिया में क्या हो रहा है और कितने ऐसे अजीम लोग हैं जो तन्हा ही बड़े काम कर गए, जो हजारों मिलके ना कर सके। इसलिए मेरी फिक्र छोड़ के अपने लिए कोई घर गृहस्थी वाली लड़की देखो, ताकि तुम्हें अकेलापन महसूस ना हो। मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता सर, अब हमारे मिलन का वक्त, जिसे मैं खुली आंखों से देखता हूं। रामा पीर की जय हो रामा पीर की, रामा पीर की जय हो रामा पीर। महाराज, नंदिनी को आए हुए यहाँ पर 10 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक इसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, है भी ऐसी अकड़बाज कि किसी को जवाब ही नहीं देती है, और मुझे तो देखकर मुंह ही फेर लेती है। आपकी आज्ञा हो तो किसी रोज रोक कर पूछ लूं। क्या करोगे पूछकर यादव, उसने अपने नाच के जरिए सब कुछ बता तो दिया था। मेरा मतलब है महाराज के कुछ घर परिवार आगे पीछे पता चल जाता तो अच्छा होता। जिसके पास सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली आई है वही उसका परिवार है। मेरा मन कहता है बड़ी जोरावर स्त्री रही होगी, शेरनी की तरह बड़े बड़े बलवानों को पछाड़ कर रखती होगी, मगर इश्क में मार खा गई, और ये वो चोट है जो हाथी को भी चींटी बना गई। हाँ महाराज, ये बात आपने ठीक कही है, प्यार मोहब्बत है ही बेकार चीज, इसीलिए मैं इससे दूर भागता हूँ।
इसीलिए भगवान भी तुझसे दूर भागते। आज्ञा दीजिए महाराज। काका, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे ये बात करूं। पूरी जिंदगी की हिम्मत जमा करके कह रहा हूं, मैं तेरे से सीता का हाथ मांगता हूं। हाँ, तेरी आवाज आ रही है मुझे। अरे सुन लिया, मैं सीता से बात तो कर लूँ, फिर तुझे फोन करता हूँ। हाँ सीता, सीता बिटिया। जी बापू। सीता बिटिया, ये मुन्ना त्रिपाठी कौन है? मुन्ना त्रिपाठी पता नहीं बापू, मैं तो पहली बार नाम सुन रही हूँ। अरे वो कहता है सीता मुझे जानती है, आप सीता से बात कर लो फिर मुझे फोन करो, उसके बाद जो चाहोगे कर लेंगे। ये कौन है और क्या चाहता है? अच्छा भाई, किसी स्टूडेंट का रिश्तेदार होगा ना। वो दरअसल वो खुल रहे हैं ना एडमिशन हमारे स्कूल में अगले महीने, शायद इसलिए पूछ रहा होगा। भगवान भली करे बिटिया, अगले महीने तेरी शादी है, तुझे खासा दूर जाना है, जहन में रखना। बापू वो अलीजे जी और तैमूर जी है ना, वो देख लेंगे। और फिर तुम भी तो हो, इस बार लेडी प्रिंसिपल नहीं बल्कि हेडमास्टर बद्रीनाथ जी इन इल्म के सिपाहियों का इंचार्ज बनेंगे। अरे बिटिया भगवान भली करे, मेरी सेहत तो देख, मेरा एंड चल रहा है बस। अब तू घर बसा अपना, स्कूल विस्कूल बंद कर। बाबू शुभ शुभ बोला करो बस। नमस्ते काका। नमस्ते काका, कुछ जरूरी बात करनी थी, वक्त होगा? वक्त तो नहीं है मेरे पास। यार कर क्या, क्या बात करनी? ऐसे नहीं, बैठ के बात कर। सीता तू अंदर जा। जी। हाँ बोल बोल, क्या कहता है? काका तूने मुझे अपना बेटा माना था और माला को बेटी बोल के सर पे हाथ रखा था, उसे भूल गया? नहीं याद है। ये भी याद है कि नंदनी को मैंने बेटी कहा था और उसकी शादी तुझसे की, मगर शायद तू भूल गया। काका अगर मेरी जगह आकर सोचेगा ना तो मैं शायद इतना कसूरवार नहीं लगूंगा। मैं जो कुछ उसके बारे में जान गया हूँ ना, उसके बाद कोई भी गैरतमंद पति। बस बस, जो तूने करना था कर लिया, आगे चल आगे चल। क्या बात है, करना क्या चाहता है? अगर जल्दी में मसरूफ है तो फिर बाद में बात कर लेते, कोई मसला नहीं। बाद में पता नहीं हम मिलते हैं नहीं मिलते हैं। तू अपनी भी जान छुड़ा और मेरी भी जान छुड़ा। बता तू कहना क्या चाहता है? काका मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे ये बात करूं, पूरी जिंदगी की हिम्मत जमा करके कह रहा हूं, मैं तेरे से सीता का हाथ मांगता हूँ। चल अपनी आधी जिंदगी कभी नहीं। अरे तू इतना घटिया निकलेगा, एक बेटी का घर पर बात करके दूसरी को भी बर्बाद करना चाहता? नहीं काका, मैं तू तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकला। बेटी मैं तुझसे दूर हो जा, मैं तुझे कोई मार दूंगा। तू नदी का घर पर बात कर चलते काका। काका संभाल खुद को, काका काका संभालो। बापू, काका बापू, काका हट मेरे बापू के पास से, हट जा बापू, बापू बापू बापू। मैं एम्बुलेंस लेकर आता हूँ। बापू उठो बापू। प्रणाम देवी जी, यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? मुझे अब कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होती महाराज,
हाँ एक मीठी सी चुभन जरूर होती है जो पता नहीं कहाँ उठती है, पर जब भी उठती है मुझे बहुत शांति देती है। मैं एक मामूली सा पुजारी हूँ, मगर बरसों की तपस्या के बाद मैं देख रहा हूँ कि तुझ पर जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया है। शांति उसे भी नहीं मिलेगी, मगर मुझे तेरी फिक्र है। महाराज मुझे उसके लिए भी शांति चाहिए। पता नहीं उसने क्या खोया और खबर नहीं मैंने क्या पाया। और आप भी कोई ऐसे मामूली पुजारी नहीं है, दूर तक भविष्य देखने की शक्ति है आप। मुझे बता दे अब और क्या होने वाला है। ये तो भगवान ही जानता है देवी, मगर तुम्हारी खामोशी के पीछे मैं काली आंधी देख रहा हूँ। हाँ शायद आप ठीक ही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम कुछ समझने ही लगे हो तो मुझे इतना बता दो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ और वापस कब लौटूंगी। तेरा मन बड़ा सुंदर है देवी, भगवान तुझसे पसंद हो गए। तू खुद यहाँ नहीं आई, तुझे बुलवाया गया है। देवी देवताओं की इच्छा है कि तू चंद रोज उनके चरणों में रहे ताकि तेरे मन को उजला किया जा सके। महाराज मैं तो कभी मन से मंदिर भी नहीं गई, न ढंग से पूजा की मैंने, तो फिर ये देवी देवता मुझसे क्या चाहते हैं। ये संसार प्यार के लिए बनाया और चलाया जा रहा है, जिसके मन में इश्क का दिया जलता है वो साधारण नहीं रहता, महान बन जाता है। यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। पर नाम अचानक इनको क्या हो गया? पता नहीं, खाना वगैरह खाया और फिर मैं आया हूँ, कुछ बात की है और फौरन ही डेथ है। बाबा जी कल मुझे ढाबे पे मिले थे। हाँ उदास जरूर थे लेकिन ऐसे वो ठीक थे। मेरा शायद मिर्गी और हेपेटाइटिस भी थी। पता नहीं कोई और बीमारी भी हो, मुझे पता नहीं है। बद्री काका बड़ा भला आदमी था, और ये लड़की और इसका यार रतन इसे खा गए। पूजा की अभी तो तू चुप जा, देख नहीं रही है कि अर्थी यही रखी है और तू लगी अपना गुस्सा उतारने। कोई और मरता ना तो मैं इस घर में कभी ना आती, पर ये जो लाश बना पड़ा है यार, बस इस आदमी के मुंह को आ गई है। अरे जब बाप जिंदा था तो बेटी के याराने होते थे, और अब देखो है? अरे बाप इसके ब्याह की इच्छा लिए ही मर गया। तुम दोनों तो पागल हो गई हो, मौत का घर है, कुछ तो ख्याल करो, भगवान से डरो। लो हम क्यों डरे, ये ना डरे, भले चंगे बाप को खा गई, भाई मैं तो अपनी पूजा को इसकी परछाई से भी दूर रखूंगी। बॉस वो ने साले तो चमिया के इश्क में मरता रहा, यहाँ बुड्ढा मर गया, मकान तेरा बाप बेचेगा। बोल ओ मैं बॉस, तू चुप कर बे, चल निकल यहाँ से। बॉस पार्टी तो खत्म हो गई। पार्टी खत्म ही दोबारा शुरू होने के लिए होती है। देर हो रही है,
शमशान घाट जाना चाहिए। लेके जाओ ना बापू को, रतन मैं अकेली हो जाऊंगी। नहीं, मेरे बापू को मत लेके जाओ, बापू मुझे मत छोड़ो। राम राम सत्य है। नहीं, नहीं, मेरे बापू को मत लेके। इसको दीवार पर चढ़ा देना, अंदर खिसका देगा तू इसको। और बात सुन, सीता ऊपर वाले कमरे में रहती है, कुल मिलाकर ये काम करने में तुझे 30 सेकंड लगेंगे, समझा? यही घर है और तुझसे कितनी दफा कहा है मेरे सर पे मत मारा कर, मेरे चपले में खालिश होती है। ए तेरे लबड़बड़े ने कुत्ता काटे, ये बता कौन सी लड़की है वो? एक सेकंड बाजी, आप लोग कौन हैं और मेरे घर में क्यों घुसे आ रहे हैं? रे खबरदार जमर ने माँ जी का, ये बता कि सीता बागड़ी कौन है यहाँ? मैं हूँ, लेकिन आप लोग कौन है? अच्छा तो तू है जिसने मेरे बेटे को प्यार के जाल में फंसा के उसका जान और माल खा रही है और पूछ रही है मैं कौन हूँ? रे मैं तेरी ना होने वाली सासु माँ थारी मैं। ये क्या हो रहा है, क्यों शोर मचाया हुआ है? तू बीच में ना बोलिया, मैं इस छोकरी से बात कर रही हूँ। तमीज से बात करो, ये मेरा घर है। सीता ये कौन औरत है और क्या नाम शराब बके जा रही? मैं देख रही हूँ ना, आप अंदर जाओ। देखो दीदी मैं तुम्हें नहीं जानती,
और मुझे पता भी नहीं है कि तुम्हारा बेटा नॉर्मल है भी या नहीं। लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ इसे। सीता माय डार्लिंग, ये क्या कह रही हो तुम? मैं हूँ मैं मुन्ना त्रिपाठी, और ये मेरी माँ कजली कुमारी। याद है मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए थे स्कूल का नया सेटअप डालने के लिए, वो मैंने इनके लॉकर से उड़ाए थे। अब मुझे वो पैसे भगवान के लिए वापस दे दो, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा, या फिर ये मुझे जूते मार के जान से मार डालेगी। What nonsense! तुम बकवास कर रहे हो। आप मेरा विश्वास करो, मैं इसे नहीं जानती। तुम्हारा बेटा फ्रॉड है। इसे नहीं जानती तो इसी घर में 13 डेटे इसके पिता के साथ मारी थी तूने। जबान को लगाम दे बुढ़िया, बाहर निकल यहाँ से, नहीं तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। रतू होता कौन है हाथ लगाने वाला? लगा हाथ मरने, कौन है तू? ए? मेरा नाम रतन लाल है और यह हमारा घर है। तू जाती है, मैं बुलाऊं पुलिस को? हाँ बुला बुला, पुलिस ने बुला ले, बना ले पुलिस ने। मैंने भी अब पुलिस से ही बात करनी है। मारे बेटे को शादी का लालच दे के उसका माल खा गई और अभी इसके साथ ऐश कर रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? राय सब समझती हूँ मैं, जा रही हूँ मैं, सारे महल ने इकट्ठा करने जा रही हूँ और पुलिस ने भी साथ लावेंगे, सब देख लेंगे तुम सच्चे हो के हम सच्चे हैं। माँ बस करो, अब चलते हैं, झगड़ा हो जाएगा नहीं तो। डरपोक बाप की बकरी औलाद, पहले छोकरी ने फसावे फिर निभाना भी नहीं आवे। चल चल चल। ये सब क्या था? तुमसे मतलब क्यों बताऊं मैं तुम्हें? प्यार करता हूं मैं तुमसे, तुम्हें जरूरत है मेरी। शट अप, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारी मोहलत इस घर के लिए आज रात तक की है। सुबह अपना सामान उठाओ और मुझे नजर ना आना। निकलो मेरे घर से, मेरी जिंदगी से निकल जाओ। समझ नहीं आती दीदी ये सब क्या हो गया। बापूजी को गुजरे हुए बस एक ही रात हुई है और दुनिया ने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। हाँ ये लोग सब मेरा पीछा कब छोड़ेंगे? ये दुनिया बड़ी जालिम है सीता, तूने कुछ गलत फैसले किए हैं, उन्हें मान ले और अपने आप को थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर। मैंने तो हर बार अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश की, पर दुख इस बात का है दीदी कि बाबू जाते वक्त मेरे से बिल्कुल नाखुश थे। अब ये दुखड़ा भी तेरे सिवा किसके सामने रहूंगा? किसी को भी नहीं। लेकिन तुझे एक बात बताऊं, झगड़ा कराने वाली बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अभी बद्री काका की आरती घर पर ही मौजूद थी कि खुद को सती सावित्री कहलाने वालियों ने तेरे और रतन लाल के प्यार पे उंगलियां उठानी शुरू कर दी थी। कौन सा प्यार, कौन रतन लाल? जो शख्स नंदिनी जैसी औरत का नहीं बन सका वो मेरा क्या बना? नहीं नहीं सीता ऐसा मत कह, नंदिनी उस गरीब की मजबूरी थी और तू उसका सच्चा प्यार। ये ऐसा बेजोड़ रिश्ता था जो खामोशी से जुड़ा और उसी खामोशी से खत्म हो गया, और अब ऐसा कर तू भी इस बात को भूल जा। नहीं भूल सकता, जो एक औरत के प्यार की कदर नहीं कर सकता तो दूसरी औरत की इज्जत भी नहीं कर सकता। तू नन्नी की माला से जास्ती को भूल सकती है, रतनलाल इस बात को नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसने नन्नी को छोड़ते वक्त भी जरा नहीं सोचा। बस ये कहानियां मुझे ना सुना। आज रात 12 बजे तक मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। मैंने अपने दिल के और इस घर के दरवाजे उस पर बंद कर दिए। अब तू एक और गलती करने जा रही है सीता। बद्री काका के सिवा पूरी दुनिया में तेरा कोई नहीं था, इसलिए वो चाहते थे कि अपनी जिंदगी ही में तेरा ब्याह किसी अच्छे आदमी से करवा दे। मेरी बात मान और अपने दिल की सख्ती को थोड़ा कम कर ले और रतन लाल का हाथ थाम ले, नहीं तो तेरे इर्द गिर्द ये जो भेड़ियों की मंडी है ना, ये तुझे नोच खाएंगे अकेला देखकर, और इनमें सबसे आगे होगा वो आकाश चोपड़ा। मेरे पास तालीम और अपने पुरखों की कमाया हुआ ये घर है, मुझे किसी रतन लाल या आकाश चोपड़ा की जरूरत नहीं। तेरा हुस्न और ये जायदाद तेरी दुश्मन है, मुझे तुझसे कोई लालच नहीं है मेरी बच्ची,
लेकिन एक बार मेरी बात ठंडे दिल से सोच कर तो देख, फिर तुझे समझ में आ जाएगा कि मैं तुझसे कहना क्या चाह रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुमने जो कहा मुझे समझ आ गया, पर मेरे लिए इन हालात में कोई भी फैसला करना मुमकिन नहीं। देख सीता, तू मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बच्चियों की तरह अजीज है, अपने आप को अकेला मत समझना। दीदी मैं आपके साथ हूँ, अगर आप कहें तो मैं यही सोचू। नहीं मेरी जान, बस अब आप लोग घर जाओ, मुझे थोड़ा अकेले रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक फोन करोगी ना तो हम दोनों आ जाएंगे तुम्हारे पास, सही है? फिक्र मत करना, आओ बेटा। चल भाई भीमचंद, मेरी रोटियां हलाल कर अब। जबलू इसको दीवार पर चढ़ा देना, अंदर खिसका देगा तू इसको। और बात सुन, सीता ऊपर वाले कमरे में रहती है, कुल मिलाकर ये काम करने में तुझे 30 सेकंड लगेंगे, समझा? आकाश जी अगर मैं पकड़ा गया तो? कम से कम मैं तो तुझे छुड़वाने के लिए नहीं आऊंगा। हाँ, थाने में तुझे रोज जूते मारने के लिए आऊंगा। साई जबरू तो मेरे साथ जा सकता है। टेक्निकली अगर सारे काम हमने करने हैं तो मैंने तुझे मीरपुर खास से कराची क्यों बुलवाया? हमें यहां सब लोग पहचानते हैं, हम दोनों में से किसी एक को भी मोहल्ले वालों ने देख लिया तो सुबह तमाशा खड़ा हो जाएगा। साई कोशिश करूंगा यार मैं। कोशिश की और काम ना किया तो सादा सी लकड़ी का ताबूत तेरा मीरपुर खास पहुंच जाएगा। आओ साईं, राम राम। बॉस आपने तो उसे डरा ही दिया, अगर वो भाग गया तो फिर ये काम तू करेगा जब्बू? नहीं नहीं चोपड़ा जी, मुझे पूरा विश्वास है वो काम करके ही लौटेगा, भागेगा नहीं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पहली मोहब्बत का फूल मेरी झोली में आ जाए तो मैं तुम्हें आंखों पे बिठा के रखूं, ऑटो पे सजा के रखूं। सीधा तो पक्की पक्की हाथ से निकल गई। मेरा रसन उस चंडाल छोकरी से शादी नहीं कर सकता। तुम लोग अब इस मोहल्ले में नहीं रह सकते इस तरह। तुमने ये सेज माला के लिए सजाई थी। मैंने ये सेज तेरे लिए सजा रखी, मुझसे शादी कर लू।